जी 2.5 शो हो रही है। ये अपनी सर। वीडियो बेटे बंद रखे, कौन है? नहीं, आप अपनी वीडियो बंद रखे, बस इसको देखते रहे, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये इसमें कुछ ये डेरिवेटिव्स जो उससे फार्मूले दिए हुए हैं, शुरू में जरा देखे। डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म्स है तो उसका जीरो उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ऐसे ही शुरू कर दे, शुरू करती ना। अच्छा, कांस्टेंट टर्म है उसका जीरो, ठीक है? उसके यस बाद सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग। आवाज आ रही है? यस सर। कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है? एक्स की पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव एन एक्स के एन माइनस वन, राइट? सर बिल्कुल लाहौने के बराबर आ रही है, बिल्कुल स्लो जी सर। आवाज आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है लाहौने के बराबर जी पहले ठीक थी सर। सर, पहले आवाज ठीक थी। चले। अब वो मैंने हैंड फ्री लगाई थी, अब वैसे ही ठीक है। अब ठीक है, यस सर। एक सेकंड में एक और हैंड फ्री है, वो यूज करके देखते। अच्छा, ये फार्मूले जरा देखें, इनमें जो फार्मूला समझ नहीं आ रहा उसको डिस्कस करें, मैं कर लेता हूं। देख रहे हैं? यस सर। जी, कौन सा समझ नहीं आ रहा? सर हम तो यही कहेंगे कि सारे शुरू से लेकर स्टार्ट तक स्टार्ट सीख जाएं सर। सारे जी, क्या कह रहे? शुरू से एंड तक सारे समझाएं सर। सारे सारे समझाओ समझा दें, सारे समझा दें सर। तो आपको मैन वन टू आवर्स मैंने कहा है, आपको जिसकी समझ नहीं आ रही वो पूछिए। आप कह रहे सारे बताऊंगे, मतलब मैं समझा नहीं आपको। तो मतलब वही कह रहे थे कि यही समझे कि हमें किसी की समझ में नहीं, शुरू से बता देना सर। मैं ऐसा क्यों समझूं? सर आप समझ लेना कि आप बोले जी आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसमें क्या एम्बिग्यूटी है? रिवाइज हो जाएगा सर। इसलिए कह रहे थे कि आप वो समझा तो रहे हैं, पता सामने चला दिया वो हुआ है ना, सीन से इसलिए मैंने सारे तो हो जाएंगे कहा सर। कि सामने फॉर्मूले दिए हुए, बस इसको आपने देख रहे हैं और इसमें समझने वाली तो बात कोई नहीं। जी सर, ठीक है, उसी रास्ते काशीपुर में चला गया। जी, बेहतर सर। हाँ जी सर, क्या बात है? बताओ आज नौकरी पर ट्रेन आ रहा हूँ जल्दी। हाँ जी, आ जाओ अंदर, फिलहाल तो बच्चे को सुना फिलहाल तो जी, बच्चे को सुना रहेगा हमें आवाज आ दोनों किसको। रही? यस सर। मुझे सुन सकते हैं हाँ जी बेटा? ये जी, क्वेश्चन जरा, इसका ये पहले जो क्वेश्चन है ना, ये बाय आ रहा डेफिनेशन हूँ। वो दिए हुए हैं, नहीं मेरी क्लास तो ठीक है, मैं इनको तो देख वो नहीं कह रहा। लीजिएगा, मतलब ये पीछे भी आपने देखे हुए, इसको करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अच्छा हम बात करते हैं इसके जो फार्मूले यूज हो रहे हैं ना, चलो सही वो है सर। शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर जी टू से, जी यहाँ से, ठीक है? जी मैं बंद यहाँ से नजर आ रहा है? मेरे चक्कर नजर आ रही है भी स्क्रीन? नहीं यस सर, लगे। पहला देखें यस सर। जी। कोई एक आध हाँ हूँ किया करें तो फिर मुझे अंदाजा रहता है कि ये जी समझ आ रही है। अच्छा, पहला जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अच्छा सेकेंट 4x, ठीक है?
इसका डेरिवेटिव उसने लिया है तो जरा देखिएगा इसको, उसने प्रोडक्ट रूल यूज कर दिया, ये कर्सर नजर आ रहा है ना साथ साथ? यस सर। जी जी सर। हाँ, डी और डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंट फोर एक्स, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, अब एक्स स्क्वायर पहला और सीकेंट फोर एक्स दूसरा फंक्शन उसने दूसरा फंक्शन जो है उसको ट्रीट किया, ठीक है, सेकंड फंक्शन के तौर पे। अच्छा, पहले को वैसे ही रखा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही रखा पहले का डेरिवेटिव, राइट? यस सर। अब एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लिया उसने, सीकेंट फोर एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव अगर आप फार्मूला देखें तो वो होता है सीकेंट एक्स साथ में टेंजेंट एक्स, ठीक है, और फिर जो एंगल होता है ना साथ में ये वाला, जैसे ये एंगल है 4x, यस सर, x, तो यहाँ पे 4x एंगल है, ठीक है, ये 4x एंगल है यहाँ पे, ये इसको सारे में कर लेता है ये 4x, ठीक है। अच्छा, अब एंगल का भी आगे डेरिवेटिव होता है, वहां फार्मूले में चूंकि वो 1 था x था सिर्फ, तो इसलिए उसको लिखा, तो सेकेंट 4 टेंजेंट 4x और साथ एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है, ये फार्मूला बन गया उसका, ये फार्मूला है पीछे अगर आप उस पहले पेज को देखें, प्लस सेकेंट 4 वैसे ही x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है जी, इसको सिंपलीफाई किया तो उसके पास ये आंसर आ गया, राइट? नो, इसके इसमें कोई एंबिगुइटी हो किसी को तो डिस्कस करें, पहले सवाल है किसी को मसला? हेलो, आवाज आ रही है सर? सर, जो अभी आपने फॉर्मूलाज ऊपर दिखाए थे इनवर्स कोसेकेंट एक्स और इनवर्स सेकेंट एक्स, जी जी, तो अभी फार्मूला जो हमने यूज किया वो ये वाला यूज किया सेकेंट एक्स वाला। जी, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही। हमने ये वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है, अभी सेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अच्छा जी, अब पहले सवाल में किसी को कोई इशू है तो ये बताएं जरा, जो पहला पार्ट हमने कर लिया ये वाला। नहीं सर, कोई इशू, कोई इशू नहीं है। सेकंड पे चले? यस सर। सेकंड में भी दो फंक्शंस हैं, टेंजेंट अलग है, टेंजेंट क्यूब और सेकंट स्क्वायर, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगा दिया उसने, टेंजेंट क्यूब पहला फंक्शन रख लिया, सेकंट स्क्वायर सेकंड फंक्शन रख लिया। अब सेकंट स्क्वायर पे पहले पावर रूल लगाया उसने, पावर नीचे, पावर में से एक काम, ठीक है, और फिर पावर के इंटरनल का डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसी तरह से इस पे भी यही उसने पावर रूल लगाया, पावर नीचे, पावर में से एक काम, पावर के इंटरनल का फिर डेरिवेटिव, इनको फिर सिंपलीफाई किया, सेकेंट का डेरिवेटिव सेकेंट इनटू टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंट स्क्वायर होता है, राइट? राइट, इसको आगे उसने सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफिकेशन में कोई इशू है तो वो आप बताएं, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए ना? नो सर। चलिए, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पहले उसने पावर, चूंकि पावर बाहर थी सबके, तो पावर लगा के नीचे उसने उसको अलग कर लिया और इंटरनल का फिर आगे डेरिवेटिव ये ले लिया। अच्छा, इस पे फिर उसने अलग अलग साइन टू थीटा का डेरिवेटिव अलग लिया, कॉस थ्री थीटा का अलग ले लिया, और अंदर जो एंगल है यानी उसका फिर डेरिवेटिव लेना पड़ा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और साथ में टू थीटा जो एंगल था उसका फिर डेरिवेटिव उसने लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको भी सिंपलीफाई कर लिया गया। अच्छा, ये फोर्थ पार्ट देखें, कॉस एक्स स्क्वायर रूट और साइन एक्स स्क्वायर रूट, तो ये सिर्फ एंगल पे है और ये पूरे पे है, ठीक है, तो ये पूरे के बाहर 1/2 लिख लिया और इसने एंगल पे 1/2 लिख लिया, ठीक है, तो अलग अलग जब किया तो इस पे ये कॉस वाले टर्म पे अलग उसने डेरिवेटिव, और इस पे पावर रूल लगाया पहले साइन वाले पे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर के इंटरनल का डेरिवेटिव, ठीक है जी, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड डी बाय डी एक्स, उसमें भी उसने प्रोडक्ट रूल यूज किया है और सेकंड पार्ट तो उसने खुद ही कह दिया कि डू योर सेल्फ, आप अच्छा करते हैं इसको, ये किसकी ये आवाज इस तरह आ रही है, इसको बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
इसको भी देख ले। क्वेश्चन नंबर फोर देखें जी, इसमें इसमें अब ये चीज जो है ये वाली, ये एक खुद एंगल है 1 + x / 1 + 2x के रूट, ठीक है, ये सारा ही एक एंगल है। तब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर एंगल का आगे डेरिवेटिव है, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है बस। और फिर एंगल का डेरिवेटिव उसको आप बेशक इसको अलग से यानी साइड पे करके ले लें फिर इसमें रख लें, इसने साथ ही कर लिया वो एक अलग मैटर। यहां तक बात क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर फोर तक? जी किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। क्वेश्चन फाइव में वो कह रहा है जी विद रिस्पेक्ट टू के हिसाब से कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट प्लेन, ठीक है, तो फिर इसको उसने अगर वाई रख लिया तो इसको कोई और नाम दे दिया, यू दे दिया यहाँ पे, जैसे इससे कुछ भी दे सकते हैं। तो यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेना है आप, समझ आई बात की? इसमें विद रिस्पेक्ट टू के हिसाब से जो देखते हैं ना आप, ये बड़ा जरूरी होता है। इस पे थोड़ा सा ये देखें कि आपने यानी जिसके रिस्पेक्टिव लेना है इसका मतलब वो उसके नीचे आएगा। ये हम जो dy / dx ले रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये अगर इसको आपने y कह दिया है और ये u है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं। आप माइक ऑफ कर रहे हैं, शोर आ रहा है। ये कौन है ये, इसको कहे ये जरा मोहम्मद इदरीस भाई आपके माइक से शोर आ रहा है, म्यूट कर लेंगे। माइक ऑफ करें बेटे, ये कौन है? दोबारा जाना पड़ेगा पीछे। अब ठीक है सारी ऑफ। अच्छा ये इसको उसने यानी यू का नाम दिया, ठीक है, और इसको उसने वाई का नाम दे दिया, नजर आ रहा है ना? Yes, एक बंदा बस बोले तो ठीक है, ठीक है। अब यानी y ये एक है और ये u एक है, ठीक है, आपने y का आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो dy / du आएगा, यानी आपने जो फाइंड करना है dy। अच्छा ये अगर पेन से लिख के देखो तो लिखा जाएगा, जोड़ा होगा एडिटर उसके बाद लिखा जाएगा, देख ले dy / du, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हमारा ये होगा। समझ आ रही बात की? यस सर। अच्छा तो ये क्लियर होगा, ठीक होगा। अच्छा अब समझ आई बात की? अच्छा ये dy / dx आ गया और ये du / dx आ गया। अच्छा अब आपने फाइंड क्या करना था, वो दोबारा मैं उसको लिखता हूँ, वो लिखने वाला फिर मुझे भूल गया। dy / du, वो लिखने वाला तो पहले ढूंढू ना, किधर चला गया वो, कहाँ था? ऊपर। तो ये तो अच्छा, वो दूसरा आ गया। तो
चला गया जहां से लिखते थे। माउस तो हो गया हम क्लिक करो करो टचपैड टच करो तुसी यूज ही टचपैड करो बस कुछ नहीं आ रहा रेजर आ गया टचपैड दिखाओ ना ये तो बस टच ही कर रहा है ना अच्छा 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 वो ऊपर ये तो दूसरी चीज है मेरे पहले तो मैं करना पड़ेगा मैं व्हाइट बोर्ड तो लेने ही अभी वैसे ही वो हाइलाइट कर रहे हैं अच्छा वो मुझे फिर उसमें से वो आगे पीछे हो गया हेलो आवाज आ रही है यस सर आवाज आ रही है अच्छा वो दोबारा आप ढूंढेंगे उसको कैसे वो लिखना था अच्छा हमने निकालना था ये जो किसी ने लिखा है कैसे लिखा है शरारते कर रहा है सर वो क्लिक करें वो आ जाते हैं सारे ऑप्शन वही तो मिल नहीं रहा पेन लिखा है पेन से क्लिक करें तो आ जाते हैं रेज का भी ऑप्शन है क्लियर भी हो जाते हैं वो तो क्लियर हो जाते हैं लेकिन वो आया कहाँ से था पहले अच्छा चलिए मैं उसको देख लेता हूँ अभी टाइम हमारा एंड होने वाला है तो हम इस लेक्चर को कंप्लीट 3 मिनट टाइम यस सर डी हमने फाइंड करना था डी वाई बाय डी यू ठीक है तो हमारे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स और डी वाई बाय डी यू ये दो चीजें आ गई अच्छा डी वाई बाय डी एक्स और डी यू ओवर डी एक्स तो अब जी हमने डी वाई बाय डी यू निकालना है तो उसके लिए हमने चेन रूल करी डी वाई बाय डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई बाय डी यू बन दोनों आंसर को इसमें पुट अप कर दिए तो आपके पास जो रिक्वायर्ड है वो आ ठीक है जी समझ आ गई बात की ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज पूरी को कंप्लीट करेंगे इसमें जो इशू हो वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे कल की मीटिंग में हम इसको दोबारा करेंगे ठीक है इंशाल्लाह एनी इशू नो सर थोड़ा वो देसी आदमी तो मैं हूँ जरूर आप चलो मुझे बताते रहेंगे सर पूरी एक्सरसाइज करनी है या हाफ करनी है पूरी करनी है ठीक है ठीक है और ये आपके पास मौजूद होगी है ना आपके पास ये सर है बस ठीक है फिर मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं सर पहले वाला क्वेश्चन नहीं करना ना सर जो पहले हाँ पहले वाला ना करें अगले सारे करें ठीक होगा ठीक है थैंक यू ओके अच्छा और अच्छा ये लोग अभी भी आ रहे हैं कुछ ठीक है फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह